हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्राफ्ट पीरियड। आज का हमारा टॉपिक है कोलाज। लेकिन कोलाज मतलब क्या, ये आपको पता है? न्यूज़पेपर और मैगजीन में जो कलर इमेजेस रहते हैं उसका उपयोग करके कोलाज बनाया जाता है। तो चलो ये कोलाज कैसे बनाया जाता है ये देखते हैं। जो इमेज का हमें कोलाज बनाना है उसका ड्राइंग पहले करके लेना है। या हम बर्ड का कोलाज बनाने वाले हैं तो बर्ड का ड्राइंग इस तरह ड्रॉ करके कंप्लीट करेंगे। कोलाज के लिए आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन के इस तरह कलर इमेजेस इकट्ठा करना है। फिर आपको जो कलर जिस पार्ट के लिए चाहिए उसे इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ से ही कट करके रखना है, और जो पार्ट में वो चाहिए उस पार्ट में फेविकॉल लगा के इस तरह उसे पेस्ट करते जाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने रेड, येलो, ब्लू कलर का यूज़ करके एक सुंदर सा बर्ड कोलाज किया है, और ये बर्ड के पंख के लिए ग्रीन और उसके शेड्स में यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे डार्क ब्लू और उसके अलग अलग शेड्स के पेपर हम यूज़ करेंगे। और ट्री के लिए कौन से कलर के पेपर्स यूज़ करते हैं ये आपको पता ही है, तो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड के पेपर्स यहाँ हम पेस्ट करेंगे। और लीफ के यहाँ लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन शेड के पेपर्स पेस्ट करेंगे। तो देखो इस तरह एक सुंदर कोलाज हमारा बनके रेडी हुआ। स्टूडेंट्स, आपको भी इस तरह एक ड्राइंग ड्रॉ करके उस पर कोलाज करना है। फिर आपको चाहिए तो आप बर्ड भी कर सकते हैं, या हाउस, बटरफ्लाई, फ्लावर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।